26 साल की उम्र में 26 मिलियन फॉलोवर्स पाना मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था। रोने का मन बहुत कर रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल करके मैं यहाँ पर केक कट करने के लिए लेकर आई। मेरा मानना ये है कि जो लोग आपके साथ हो, सेलिब्रेशन हमेशा उन्हीं लोगों के साथ करना चाहिए। ये वही बच्चे हैं जिनके साथ मैं हर टाइम हर एक छोटे से बड़ा सेलिब्रेशन करती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी वीडियोस देखते हैं, इसलिए क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। जब भी मैं इनसे मिलती हूँ, इनसे बात करती हूँ, मुझे एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो मैं हमेशा इनके साथ सेलिब्रेट करना पसंद करती हूँ। हमारी सोसाइटी के बाहर थोड़ा सा दूर जाके एक मंदिर है जहाँ पर मैं इन बच्चों से मिलती हूँ। डेली तो नहीं मिल पाती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक से दो बार तो मिल ही लेती हूँ, और सब मेरी वीडियोस को बहुत प्यार करते हैं। सबसे पहले हमने सोचा कि लड्डू बांटे जाए, तो हमने सभी को लड्डू दिए। बूंदी के लड्डू देना बहुत शुभ होता है। यहाँ पर हमारे घर का एक मेंबर 2 से 3 लड्डू खा गया था। लड्डू लेकर आए थे सभी लोगों के लिए, लेकिन इतनी जल्दी ख़त्म हो गए कि पता ही नहीं चला। उसके बाद बारी आई केक कट करने की। यहाँ पर सभी को ऑलरेडी पता था 26 मिलियन हो चुके हैं, जिसकी खुशी में हम लोग केक कट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के कपड़े नहीं है, तो मैं बता दूँ कुछ लोग नहा रहे थे और कुछ भागते हुए आए घर से जैसे ही उनको पता चला मैं आई हूँ। इसीलिए बाकी यहाँ पर सबके पास चप्पलें हैं, कपड़े हैं, हम इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो केक कट करने से पहले मैंने सबको साइड खड़ा कर दिया, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा है जहाँ पर कार बहुत तेज ड्राइव करते हैं लोग, ये रोड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसके बाद मैंने केक कट करने के लिए दादी को बुलाया। ये वही दादी हैं जो मेरे साथ वीडियोस में आती हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं। हर वक्त सिर्फ एक ही आशीर्वाद देती है कि मैं बहुत ऊंचाइयां छूं। तो मैंने उन्हीं से अपना केक कट करवाया। आज भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, जो आपकी खुशी में खुश हो हमेशा उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करो, उनसे नहीं जो पीठ पीछे आपकी बुराई करें और आपसे कभी खुश ना रहें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इन सब के साथ और अपनों के साथ सेलिब्रेट करना। आप मेरी वीडियोस, मेरी स्नैप्स देखते ही होगी कि मैं कहाँ कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। हर चीज़ दिखाना मुझे बहुत पसंद है, और इन लोगों के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना और भी ज़्यादा पसंद है। अपने हाथों से सबको केक खिलाया, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी मर्जी थी, इसलिए क्योंकि वो सब चाहते थे कि हमें भी खिलाओ दीदी, हमें भी खिलाओ। शायद उनको लग रहा था कि मैं उनको केक दूंगी नहीं, लेकिन मैंने सभी को केक दिया भर भर के। यहाँ पर 2 किलो केक भी कम पड़ गया, क्योंकि बच्चे और भी ज़्यादा हो गए थे, आसपास से आ गए थे। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक बच्चे के हाथ में लगी हुई थी। बहुत बुरा लगा ये देखकर, लेकिन उसको जल्दी फ्री कर दिया केक देकर। उसके बाद हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स आए हमारे साथ पिक्चर्स लेने के लिए, उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। फिर लखन ने और मैंने मिलकर सबको केक बांटा। यहाँ पर मेरी बहन यानी कि मेरी ननन मिसिंग है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से हम उसको अपने साथ लेकर नहीं आए। वो रेस्ट पर चल रही थी, अदरवाइज हर सेलिब्रेशन में वो भी साथ होती है, आपने देखा ही होगा। हमारी ननन भाभी की वीडियो उसके बिना अधूरी है। वो है तो मैं हूँ तो वो है। तो यहाँ पर हमारा सेलिब्रेशन कुछ ऐसा हुआ। कमेंट्स करके बताना आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम मुझे इनके लिए क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशल, कुछ डिफरेंट। 27 मिलियन पर हम कुछ डिफरेंट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और कमेंट्स करके बताते हुए जाना। बाय बाय, लव यू ऑल।